नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश डिजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान में बदले मौसम के साथ ही अब कुछ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का दौर शुरू हो चुका है। इस दौरान पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं हल्की बारिश दर्ज की गई, तो वहीं पश्चिमी राजस्थान में भी कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी दर्ज की गई। सबसे ज्यादा सुजानगढ़ में 47 mm बारिश दर्ज की गई है। हालांकि प्रदेश के अन्य जिलों में तापमान बढ़ने के साथ ही दिन में गर्मी लोगों को सताने लगी है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में प्रदेश का मौसम मिला जुला दर्ज किया जा सकता है। सचिन पायलट के अजमेर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए सचिन पायलट ने हरियाणा में हार की वजह को भाजपा द्वारा उतारे गए डम्मी प्रत्याशियों को कारण बताया। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में गठबंधन की सरकार बनने पर खुशी भी जताई। सचिन पायलट ने कहा कि शुरुआत में हरियाणा में कांग्रेस की बढ़त थी, लेकिन बाद में भाजपा ने जीत हासिल की। हालांकि कांग्रेस आलाकमान ने गड़बड़ी की शिकायत दर्ज करा दी है। इसके साथ ही अंत तक ये लड़ाई जारी रहेगी। 3 साल से रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा का इंतजार कर रहे युवाओं का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया। शिक्षा विभाग की ओर से आज रीट पात्रता परीक्षा की घोषणा कर दी गई है। शिक्षा सचिव कृष्ण कुणाल ने बताया कि रीट पात्रता परीक्षा का आयोजन जनवरी के दूसरे पखवाड़े में किया जाएगा। इसके साथ ही परीक्षा का आयोजन राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की ओर से किया जाएगा। साथ ही कृष्ण कुणाल ने बताया कि परीक्षा में इस बार 5वां विकल्प भी जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही बोर्ड सचिव का कहना है कि सरकार की ओर से लेटर प्राप्त होने के बाद रीट पात्रता परीक्षा की विज्ञप्ति नवंबर में जारी कर इसी महीने से आवेदन प्रक्रिया शुरू करने की पूरी तैयारी की जाएगी। रीट लेवल 2 में जैसे जैसे रीशफल परिणाम की तिथि पास आती जा रही है, चयनित शिक्षकों के मन में डर भी सताता जा रहा है। एक बार फिर से चयनित शिक्षक कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष के सामने अपनी गुहार लेकर पहुंचे। चयनित शिक्षकों का कहना है कि 1 साल से नौकरी कर रहे हैं, ऐसे में सरकार उनको नौकरी से बाहर ना करे, इसको लेकर उनको कदम उठाते हुए शेडो पोस्ट क्रिएट करनी चाहिए, क्योंकि आने वाला दिन दिवाली का है। ऐसे में हजारों चयनित शिक्षकों की दिवाली काली न हो, इसका ध्यान भजनलाल सरकार रखे। पिछले महीने 27 सितंबर को उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा के बेटे की चिन्मय बैरवा की रील काफी वायरल हुई थी। खुली जीप में घूमते हुए जब वह वीडियो वायरल हुआ था, उस समय काफी बवाल भी मचा था। इस जीप में उनके साथ कांग्रेस नेता पुष्पेंद्र भारद्वाज के बेटे कार्तिकेय भारद्वाज भी दिखाई दिए थे। बेटे के खिलाफ ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के आरोप लगने के बाद उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा को मीडिया के सामने आकर सफाई भी देनी पड़ी थी। अब इस मामले में परिवहन विभाग ने कार्रवाई करते हुए गाड़ी के RC को निलंबित कर दिया है। जयपुर के एक सरकारी स्कूल में महिला शिक्षिका द्वारा बच्चों से पैर दबवाने का वीडियो जबरदस्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, तो शिक्षा मंत्री ने अब इस पर बड़ी कार्रवाई करते हुए टीचर को APO कर दिया है। शिक्षा मंत्री का कहना है कि विद्या के मंदिर में इस तरह की हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मामले की जाँच जारी है। मामला जयपुर के करतारपुरा के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय का है। उदयपुर में लेपर्ड का आतंक बरकरार है। गोगुंदा में आदमखोर पैंथर की तलाश में प्रशासन जुटा हुआ है। गोगुंदा में 7 और झाड़ोल में 1 समेत कुछ 8 लोग लेपर्ड का शिकार हो चुके हैं। वहीं अब सायरा के आबादी क्षेत्र में भी पैंथर घुसा हुआ आया है। पैंथर ने वहां एक घर के बाहर खड़ी गाय का शिकार कर दिया। आबादी क्षेत्र में पैंथर घुस आने की सूचना पर गाँव के सरपंच सहित ग्रामीण मौके पर पहुंचे। उन्होंने पशु चिकित्सक और राजस्व विभाग को सूचना दी। ग्रामीणों ने बताया कि काफी समय से पैंथर की मूवमेंट देखी जा रही है। टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन टाटा का 86 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने बुधवार देर रात करीब 11 बजे अंतिम सांस ली। वह मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल की इन्वेंटिव केयर यूनिट में एडमिट थे और उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रहे थे। टाटा का पार्थिव शरीर नरीमन पॉइंट स्थित नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। यहां से उनकी अंतिम यात्रा वर्ली शमशान घाट के लिए रवाना हुई, जहां राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। UAE में खेले जा रहे ICC महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 में भारतीय टीम ने ग्रुप ए के अपने तीसरे मुकाबले में श्रीलंका का सामना किया और इस मैच को टीम इंडिया ने 82 रनों के बड़े अंतर से अपने नाम किया। इस हार के साथ ही श्रीलंकाई टीम सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गई है। भारत की ओर से शेफाली वर्मा और स्मृति मंदाना की शानदार पारी ने इस जीत में अहम योगदान दिया। खास बात यह है कि भारतीय महिला टीम ने ICC T20 वर्ल्ड कप में श्रीलंका के खिलाफ ग्रुप मुकाबले को 82 रनों से अपने नाम करने के साथ ही सेमीफाइनल में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को भी और मजबूत कर दिया है।
दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के आधिकारिक आवास को अवैध उपयोग के आरोप में पीडब्ल्यूडी विभाग ने सील कर दिया है। इसके गेट पर विभाग ने डबल लॉक लगा दिया है। दिल्ली के विजिलेंस डिपार्टमेंट में पीडब्ल्यूडी के दो सेक्शन ऑफिसर और अरविंद केजरीवाल के पूर्व स्पेशल सेक्रेटरी को तरीके से हैंडओवर लेने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुख्यमंत्री आतिशी का सारा सामान सीएम आवास से बाहर निकाल दिया गया है। पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पिछले हफ्ते तक इस घर में रह रहे थे और अपने पद से इस्तीफा देने के करीब 3 हफ्ते बाद उन्होंने इसे खाली कर दिया था। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।